वेलकम टू द जुपिटर क्लासेस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट। ये जो आप लोगों के चलाया गया था इंग्लिश ग्रामर के लिए जीरो टू हीरो सीरीज, आज उसका हो गया 22वां दिन। इससे पहले का वीडियो चाहे तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज आप लोगों को टॉपिक रूप में पढ़ाया जाएगा बच्चा लोग काइंड्स ऑफ नाउन, मतलब कि संज्ञा के प्रकार या संज्ञा के भेद। तो समय ना गवाते हुए चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देख लीजिए हेडिंग डाल दिया गया है काइंड्स ऑफ नाउन, मतलब कि बच्चा लोग यदि इसका हिंदी अर्थ बताया जाएगा तो इसका अर्थ होगा हिंदी संज्ञा के भेद। और इससे पहले का जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में सब हैं हम पढ़ा दिए हैं बच्चा लोग पीछे। पार्ट्स ऑफ स्पीच को आठों जो होता है ना डिफिनेशन, मतलब कि बच्चा लोग परिभाषा क्लियर करा दिया गया है, चाहे तो आप वीडियो पीछे जाकर देख सकते हैं। और आज हम उसमें से सिर्फ एक उठाए हैं नाउन, नाउन मतलब बच्चा लोग संज्ञा, और उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो देखिए बोला जा रहा है कि काइंड्स ऑफ नाउन, मतलब कि बच्चा लोग संज्ञा के भेद। तो आप हमेशा याद रखिए कि संज्ञा के भेद होते हैं पाँच। कितने बच्चा लोग? पाँच। देखिए पहला प्रॉपर नाउन, मतलब कि बच्चा लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन नाउन, मतलब कि जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा कलेक्टिव नाउन, मतलब कि समूहवाचक संज्ञा। और चौथा हो गया बच्चा आप लोगों का मटेरियल नाउन, मतलब कि द्रववाचक संज्ञा। और पांचवा आपका हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब कि भाववाचक संज्ञा। फिर से इससे पहले हम पढ़ाए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताए थे कि आठ प्रकार के हैं और उसमें से एक उठाए हैं सिर्फ नाउन। क्या बच्चा लोग? नाउन। और उसमें से आज नाउन के बारे में बता रहे हैं कि बच्चा लोग नाउन जो है इसके कितने प्रकार या इसके कितने भेद हैं। तो इसके भेद हैं पाँच, आता है तो संगली पर गिन सकते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा हो जाएगा आपका कॉमन नाउन, तीसरा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, चौथा हो जाएगा मटेरियल, और पाँचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये आपके लिए यहाँ पर लिख दिया गया है। और चलिए आइए थोड़ा सा डीप से जानते हैं। अब ये देखिए वो जो पीछे वाला ये बताएं बच्चा लोग आपको, ये जो बताया गया कि ये काइंड्स ऑफ नाउन था जो बहुत पहले से चला आ रहा है, ये जो है जो बहुत पहले चला आ रहा है। कुछ दिन के बाद जब आया इंग्लिश ग्रामर का मॉडर्न वेरिएशन, मतलब कि बच्चा लोग मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, तो उसमें इसी को बदल कर या कुछ दूसरे के जोड़कर अलग कर दिया गया है। और देखिए वो है इस प्रकार के, ये देखिए। और जब हमारे चैनल पर आए हैं तो विशेष पढ़ाई कीजिए, ठीक है कि नहीं जी। अब देखिए बोला जा रहा है कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन, मतलब कि बच्चा लोग मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन, मतलब कि आधुनिक जो है कि आधुनिक ग्रामर के हिसाब से संज्ञा का वर्गीकरण, इसको बोला जाता है कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मतलब कि आधुनिक वर्गीकरण ऑफ द नाउन। किसका बच्चा लोग? संज्ञा का। यो जो हो गया, ये जो हो गया काइंड्स ऑफ नाउन पाँच प्रकार के, ये भी सही है। और ये जो हो गया कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन कितने प्रकार के बच्चा लोग? तीन प्रकार के। जो वो बताया गया कितने प्रकार के? पांच प्रकार के। और इसमें कितना प्रकार बता दिया गया है? तीन प्रकार के। तो ये हो गया आपका मॉडर्न, मतलब कि बच्चा लोग ऐसा बोला जाए तो लिख देते हैं कि आधुनिक व्याकरण के हिसाब से। आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण के हिसाब से कितने प्रकार के बच्चा लोग? तीन प्रकार के। देखिए पहला प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन देख लीजिए बच्चा लोग, प्रॉपर नाउन इसमें भी कॉमन है। बदला क्या है? तो ये जो दूगो है कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इन दोनों को मिला के बना दिया गया है काउंटेबल नाउन। और ये जो है मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इन दोनों को मिला के बना दिया गया है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। आइए देखते हैं तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से नाम कितने प्रकार के बच्चा लोग? तीन प्रकार के। और पुराने जमाने के हिसाब से नाम कितने प्रकार के? पांच प्रकार के। और ये तीनों प्रकार ये हैं, पहला प्रॉपर नाउन मतलब कि बच्चा लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा काउंटेबल नाउन मतलब कि गणनीय संज्ञा जिसकी गिनती किया जा सकता है, और तीन नंबर बच्चा लोग अनकाउंटेबल नाउन मतलब कि अगणनीय संज्ञा जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। तो फिर से बच्चा लोग हम रिपीट करते हैं कि यदि बात कीजिए जो पहले से नाउन चला आ रहा है काइंड्स ऑफ नाउन कितने, तो फाइव टाइम्स ऑफ नाउन। अब देखिए और जब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में है तो उसमें बता दिया गया कि नहीं नाउन अब पांच प्रकार का नहीं, आज के बाद नाउन हो गए तीन प्रकार के। और ये तीनों ये हैं कि पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा जो हो जाएगा आपका काउंटेबल नाउन, और तीसरा हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। और नीचे आपके लिए लिख दिया है कि आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण के हिसाब से कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब उन तीनों में से एक एक करके आपके लिए हम डिफिनेशन स्पष्ट कर दे रहे हैं। यदि यहाँ पर देख लीजिए
कि उसमें से पहला उठाया है प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन मतलब होता है बच्चा लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे बता दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि किसी व्यक्ति जानवर स्थान या वस्तु के खास नाम को, यही ध्यान देना है, खास नाम के नाम को क्या बोलते हैं बच्चा लोग, प्रोपर नाउन। फिर से कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी जानवर या किसी भी स्थान या किसी भी वस्तु के खास नाम को उसको क्या बोला जाएगा बच्चा लोग, प्रोपर नाउन, मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देख लीजिए इंग्लिश में लिख दिया गया है सीबीएसई वाले बच्चों के लिए कि बोला जा रहा है कि अ प्रोपर नाउन इज द नाउन, मतलब कि प्रोपर नाउन संज्ञा कैसा कि ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, मतलब जिसका खास नाम हो, या एनिमल या प्लेस और थिंग। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। फिर से बच्चा लोग पहला उठाएं प्रोपर नाम कि किसी व्यक्ति के नाम हो या जानवर या स्थान या वस्तु के, इन सब के खास नाम को क्या बोला जाएगा बच्चा लोग, तो इन सब के खास नाम को बोला जाएगा प्रोपर नाउन, मतलब कि जातिवाचक संज्ञा। आगे है इंग्लिश में कि ए प्रोपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन एनिमल प्लेस और थिंग। और ये है आपके लिए एग्जाम्पल कि राम, ये जो है क्या है, तो ये है एक व्यक्ति के नाम, राम मोहन सोहन। और ये हो गया पटना, किसका नाम है चलो, जगह का नाम। और ये हो गया इंडिया, हमारे प्यारा देश भारत, इनक्रेडिबल इंडिया, जो कि भारत अतुल्य है। और ये हो गया मार्स, मंथ नेम। और ये हो गया संडे, आपके जो है डे, दिनों के नाम। तो ये सब जो है जितना भी, ये सब किसके अंतर्गत रखा गया है बच्चा लोग, तो ये सब है प्रोपर नाम के अंतर्गत। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ये देखिए। और ये हो गया काउंटेबल नाउन, आपको बताया था कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, उसके हिसाब से नाउन कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, तो पहला बता दिए। और दूसरा देख लिए क्या है, काउंटेबल नाउन, मतलब कि बच्चा लोग गणनीय संज्ञा जिसे गिना जा सकता है। और यहाँ पर आपको लिए लिख दिया गया है कि वैसा नाउन, मतलब कि बच्चा लोग वैसा संख्या जिसे गिना जा सकता है, मतलब कि दुनिया में कोई भी नाम जिसे गिना जा सकता है। आज के बाद क्या बोला जाएगा बच्चा लोग, तो उसको बोला जाएगा काउंटेबल नाउन। जैसे कि कॉलम गिना जा सकता है, तो दिस पेन इज काउंटेबल नाउन। जैसे कि टेबल, टेबल को गिना जा सकता है, तो द टेबल इज अ काउंटेबल नाउन। तो वैसा नाम जिसे गिना जा सकता है काउंटेबल नाउन, मतलब कि बच्चा लोग गणनीय संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में कि द नाउन हुज कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख दिया बच्चा लोग, सी बोले तो काउंटेबल और एन बोले तो नाउन, आप ऊपर से देखकर लिख सकते हैं, जगह कमी की वजह छोड़ दिया गया है। एग्जाम्पल में बोल दिया गया है काउ। अब देख लीजिए गाय को बच्चा गिन सकते कि नहीं, एकदम गिन सकते हैं। डॉग, कुत्ता, मैन मतलब आदमी, और पेन मतलब कलम, टेबल मतलब मेज, ये सब चीज़ें जो हैं जिनको गिन सकते हैं उसको क्या बोला जाएगा, काउंटेबल नाउन। है ना कितना आसान। देखिए अब उसके बाद दो नंबर देखते हैं हम लोग, तो वहाँ पर आपको काउंटेबल नाउन। और यहाँ देख लीजिए अनकाउंटेबल नाउन का आपका डिफिनेशन हम दे दिए हैं कि अनकाउंटेबल नाउन में क्या बोला जा रहा है बच्चा लोग, बोला जा रहा है कि वैसा नाउन जिसे गिना नहीं जा सकता है। और पिछला नाम क्या बोलते हैं काउंटेबल नाउन में, कि वैसा नाम जिसे गिना जा सकता है काउंटेबल नाउन। और यहाँ पर बता दिया गया कि वैसा नाम जिसे गिना नहीं जा सकता है क्या बोला जाएगा बच्चा लोग, अनकाउंटेबल नाउन। और आइए देखते हैं आगे। अब बोला जा रहा है कि द नाउन विच कैनॉट या कांट बी काउंटेड, मतलब कि बच्चा लोग गिना नहीं जा सकता है, इज कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पर भी शॉर्ट में लिख दिए आप, ऊपर वाला लिख लीजिएगा लास्ट में, ठीक है। जैसे में एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, वाटर मतलब कि बच्चा लोग पानी, पानी भी गिना जा सकता है, ये पानी तो आएगा मटेरियल नाउन में। ऑयल, तेल को कभी गिन सकते हैं जी, मिल्क, दूध। म्यूजिक, ऑनेस्ट, ईमानदारी को भी कोई गिन सकता है, नहीं ना। फिर से बच्चा लोग बोल दे रहे हैं कि यदि बात किया जाए पुराना इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से, तो यहाँ पर देख लीजिए फिर से पुराना ग्रामर के हिसाब से नाम कितने प्रकार के बचा लोग, पांच प्रकार के, प्रोपर नाउन, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अबस्ट्रैक्ट। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से नाम कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, प्रोपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। और उन दोनों का डिफिनेशन ये हो गया, प्रोपर नाउन का डिफिनेशन ये हो गया, और ये हो गया आपका अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और ये हो गया आपका काउंटेबल नाउन के लिए। अब चाहे तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं। अब आगे आइए, सोचने की बात है कि सर आखिर ये जो है आप बता दिए हमको काउंटेबल नाउन का, सही है समझ गए, लेकिन ये जो है बांटा कैसे गया, किस आधार पर, हमें भी तो बताइए कि आखिर ये बना कैसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो आइए आपके लिए लेकर आगे एकदम डीप एंड डाइव में। ये हो गया बच्चा लोग, ये जो समझ जाएगा ना तो उसको मॉडर्न क्लासिफिकेशन में कभी भी नहीं दिक्कत होगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए हमेशा बोलें कि जब तक ये जीरो टू हीरो इंग्लिश सीरीज चलेगा, नोट हमेशा देखिएगा बाबू इंग्लिश वाला। देखिए बोला जा रहा है कि एक है काउंटेबल नाउन,
सॉरी कॉमन नाउन एक है कॉमन नाउन मतलब कि बच्चा लोग, और एक हो गया कलेक्टिव नाउन। तो कॉमन नाउन हो गया आपका जातिवाचक और कलेक्टिव नाउन हो गया आपका समूहवाचक, और ये दोनों को मिलकर क्या बना दिया गया है काउंटेबल नाउन। फिर से आपको क्या बताएं कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से नाउन जो है कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। तो आखिर तीन प्रकार बना कैसे, पहले तो पांच प्रकार का था, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल अबस्ट्रैक और एक है आपका प्रॉपर नाउन, कुल मिलाकर पांच प्रकार के। लेकिन अब देखिए तीन प्रकार का कैसे बना है, तो प्रॉपर नाउन के प्रॉपर नाउन सेम के ज्यों के त्यों छोड़ दिया गया है। अब देखना है दो कि काउंटेबल कैसे बन गया, अनकाउंटेबल कैसे बन गया। तो कॉमन और कलेक्टिव नाउन मिला क्या बन गया बच्चा लोग, काउंटेबल नाउन, और एक बच्चा जो आपका मटेरियल नाउन और एक बच्चा अबस्ट्रैक्ट नाउन, इन दोनों का मिला क्या बना दिया गया है अनकाउंटेबल नाउन। उम्मीद है अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कैसे बन गया है। आइए आगे देखते हैं। चलिए तो अभी तो जो पढ़ाए पर थोड़े से हम रिविजन कराते हैं, ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े, तो एकदम कुछ नहीं पढ़े, अभी ध्यान दीजिए बच्चा लोग, बेसिक चालू किए हैं, इससे आगे अभी पढ़ाया जाएगा। तो हम आज आप पढ़े काइंड्स ऑफ नाउन। यदि बात किया जाए बच्चा लोग कि इसका हिंदी अर्थ, तो इसका हिंदी अर्थ होगा संज्ञा का भेद, ले लीजिए ना संज्ञा का भेद। अब यदि बात किया जाए कि ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार कि संज्ञा के भेद कितने प्रकार के, पांच प्रकार के, कितने प्रकार बचा लोग, पांच प्रकार के, कौन कौन, तो प्रॉपर नाउन, और हो गया आपका कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, और हो गया आपका अबस्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अबस्ट्रैक्ट, ये हो गया आपका पांच प्रकार के, किसके हिसाब से, तो पुराना इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से। अब आइए, अब हम लोग यदि थोड़ा सा विज्ञान आगे बढ़ा, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के क्षेत्र में थोड़ी सा लोग आगे बढ़े, तब तो बताएं नहीं नहीं कि आज के बाद नाउन हो कितने प्रकार के बचा लोग, तो आज का बाद होगा संज्ञा का भेद, संज्ञा के भेद तीन प्रकार, कितने प्रकार के, तीन प्रकार, किससे, तो आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार से। आधुनिक मतलब कि जो नया जमाना का इंग्लिश ग्रामर है, और वो तीनों कौन कौन सा होगा, तो बता दिया गया है कि वो तीनों में पहला होगा आपका क्या, तो ये जो है प्रॉपर नाउन ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया है, और दूसरा हो जाएगा आपका काउंटेबल नाउन, और तीसरा हो जाएगा आपका अनकाउंटेबल नाउन, और तीसरा हो जाएगा आपका बच्चा लोग अनकाउंटेबल नाउन। ये ही तो आज आप लोग पढ़े, क्लियर है, तीनों का डेफिनेशन हम लिखवा दिए हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और ये वीडियो छोटे छोटे बच्चों के लिए भेजिए ताकि वो भी पढ़े और इंग्लिश के क्षेत्र में आगे बढ़े। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर ही दीजिएगा। और इसके बाद आगे जो वहाँ पर छोड़ दिया गया है कि बच्चा लोग काइंड्स ऑफ नाउन के जो पाँचों टाइप्स है, इसके अगला वीडियो में हम बना देंगे, निश्चिंत रहिए। यहाँ तक आएँ और हमारे लिए समय दिए, वीडियो देखें, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।